एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 30 मार्च से 5 अप्रैल तक के बीच के इन 7 दिनों के बारे में। दोस्तों, मार्च महीना जाते जाते और अप्रैल महीने की शुरुआत किस राशि के लिए क्या लेकर आने वाली है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इस साप्ताहिक राशिफल में है, हम आपके लिए आपकी राशि के अनुसार भविष्यवाणी बताएंगे, जिसे सुनकर आप अपने आने वाले हफ्ते के लिए पहले से ही तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 30 मार्च से 5 अप्रैल तक की जो है सटीक भविष्यवाणी देने वाले हैं। नए हफ्ते की शुरुआत से पहले ही हमारे मन में, जो दिमाग में 100 तरह के सवाल उठने लगते हैं कि हमारा ये सप्ताह कैसा जाने वाला है, क्या इस हफ्ते जो है हमारी आर्थिक हालात में सुधार आएगा, या जो पैसों की तंगी है अभी कुछ समय तक और भी झेलनी पड़ेगी, क्या शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, क्या जॉब के मामले में ये हफ्ता सौभाग्यशाली रहने वाला है या अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, पारिवारिक दृष्टि से क्या ये सप्ताह अच्छा रहेगा, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं सप्ताह से जुड़े हुए। आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में प्रेम से जुड़े भी कोई सवाल हैं, जैसे कि क्या इस हफ्ते आपके और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां आएंगी, बढ़ेंगी, या फिर रिश्ते में चली आ रही कड़वाहट बरकरार रहेगी, कैसे दूर की जाए इन्हें, इस तरह के सभी सवाल प्रेम जीवन से जुड़े हुए जानने के लिए आप एकदम सही जगह पर हैं। ये साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के चंद्र राशि के अनुसार वैदिक ज्योतिष पर आधारित गणना की जाती है। इसमें तो सभी 12 राशि के जातकों को हम बताते हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके अलावा आपको इस राशिफल में हम बताएंगे कि इस सप्ताह में आपके राशिफल के अलावा और कौन कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं, 30 त्योहार है तो वो कौन कौन से हैं, क्या ऐसे कोई गोचर होने वाला है ग्रहों का जिसका असर आप सभी पर पड़ने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। बहुत सारी जानकारियां हैं भविष्य से जुड़ी हुई और इनको सुनने के बाद आपके जीवन में आ रही रुकावट, अड़चन, बाधा, ये सब दूर हो जाएगी। इसमें आपको सीधा और सटीक निवारण भी बताया जाएगा, उपाय बताया जाएगा, और आप अपने उस उपाय को, सिंपल से उपाय को करके अपने सप्ताह को अच्छा बना सकते हैं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं सीधे राशिफल पे और हम आप बताएंगे आपको कि आपके लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। इस सप्ताह ये जो है चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, एक फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म में अपने बर्थ डिटेल्स जब आप भरेंगे तो आप वहां से अपनी चंद्र राशि सही सही पता लगा सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं या हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को डाउनलोड करें। चलिए बताते हैं आज इस सप्ताह का जो है हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्य। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह 30 मार्च से 5 अप्रैल की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रोहिणी नक्षत्र से हो रहा है, जबकि सप्ताह का अंत 5 अप्रैल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मघा नक्षत्र में होगा। इस सप्ताह पड़ने वाले मुख्य त्योहारों व्रतों की बात करें तो इस हफ्ते जो है शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि यानी कि 30 मार्च सोमवार को यमुना चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि 2 अप्रैल गुरुवार को रामनवमी और स्वामी नारायण जयंती का पर्व मनाया जाएगा, और अंत में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 4 अप्रैल शनिवार को कामदा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। अगर बात करें इस सप्ताह होने वाले गोचर पे, ग्रहों के गोचर पे, तो चंद्रमा के अलावा जो है इस सप्ताह की शुरुआत में ही बृहस्पति मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 30 मार्च सोमवार को होने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा मिथुन राशि में जो है 31 मार्च, कर्क राशि में 2 अप्रैल और सिंह राशि में 4 अप्रैल को गोचर करेंगे। सप्ताह का अंत सिंह राशि में चंद्र के गोचर से होगा। इन ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव सभी राशि के जातकों पर जो है पड़ने वाला है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हर एक राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए कैसा बीतेगा ये सप्ताह, ये जानते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर जो है वृषभ राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव को एक्टिव करने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में आप
जो है पेशेवर जीवन में आप रचनात्मकता और कल्पना के शिखर पर होंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे और ऐसा करने के लिए आपके अंदर किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। आपकी निजी जिंदगी और रोमांस की बात की जाए तो आप अपने लवमेट के प्रति बहुत संवेदनशील होंगे, जिसके चलते आपके प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। यह समय अपने शौकों को पूरा करने के लिए भी बहुत उम्दा है। डांस, म्यूजिक आदि जैसे कामों को आप यदि समय नहीं दे पा रहे थे तो इस दौरान आपको इन कामों को करने के लिए समय मिल सकता है। ऐसा करके आपकी छुपी हुई क्षमता उभर कर बाहर आ सकती है। हालांकि सप्ताह के आगे बढ़ने के साथ आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है, जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ें और भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना लें। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, नहीं तो आने वाले समय में समस्या और भी गंभीर हो सकती है। पेशेवर और वित्त से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का गलत निर्णय लेने से बचें। किसी भी फैसले तक पहुंचने से पहले वास्तविक स्थिति पर नजर अवश्य दौड़ डालें। इसके बाद चंद्रमा का गोचर तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल कही जा सकती है। इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा और विचारों को भुनाने का पूरा मौका मिलेगा। आपको अपने विचारों और जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और अपने विचारों को दबा देते हैं, जिससे कई अवसर हाथ से निकल जाते हैं। आपके रिश्तों की बात की जाए तो यह समय भाई बहनों के साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा है। नजर डालते हैं प्रेम जीवन पर, तो वृषभ राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस सप्ताह अच्छा रह सकता है। आप अपने रिश्ते को लेकर रोमांटिक और भावुक रहेंगे, लेकिन कई बार आप अपने पार्टनर को जज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी उपाय बता देते हैं। सप्ताह को अच्छा गुजारना चाहते हैं तो कोशिश करें चांदी के ग्लास में पानी पिएं, ये आपके लिए शुभ रहेगा। अगर ये नहीं संभव है तो चांदी की कोई वस्तु का इस्तेमाल करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। तो जाना हमने वृषभ वालों के लिए कैसा बीतने वाला है आने वाला 7 दिन। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। इसके अलावा इस हफ्ते में जो भी 30 त्यौहार आ रहे हैं उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को जिनका जन्मदिन आता है। आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप ऐसे ही आगे बढ़ें, फले फूलें, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।